नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने वाले बिल्कुल आसान उपाय। बिकॉज जो लाइफ आप एवरीडे जी रहे हैं, जी तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बिल्कुल छोटी मोटी सी है, इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपके घर की सुख समृद्धि दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ सकती है। करते वही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है। आफ्टरऑल आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? आपके घर की स्त्री को बढ़ाने के लिए, एकवत रखने के लिए, उसकी जो सुख है समृद्धि आपके घर की उसको बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम प्रातःकाल से। जब आप सो करके उठते हैं तो बिना भूले आपको अपनी हथेली के दर्शन करने हैं, इस टाइप से ऐसे लेकर के, और आपको मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते के साथ आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें, और इसके बाद आप जब पृथ्वी पर पैर रखते हैं, उसके पहले दोस्तों आपको पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करने हैं, आपको पृथ्वी माता के पैर छूने हैं। क्योंकि आप एक चीज सोच लीजिए, इस सृष्टि में जो कुछ भी, जितना भी ये दृश्य है, जो कुछ भी अपीयर हो रहा है, आप देख रहे हैं, कोई भी जीव, सारे ही जीव, पेड़ पौधे, एवरीथिंग इसी पृथ्वी से उत्पन्न है, और एंड में सारे जीव राख बनकर के इसी पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाते हैं। सोचिए इस पृथ्वी माता का क्या रोल है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आपको चरण स्पर्श करने हैं पृथ्वी माता के दोस्तों। इसके बाद आप, अगर आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी घर पर हैं, तो आप उठ करके जाइए, उनके पैर छुएं, उनके आशीर्वाद लें। और उसके बाद जो आपके घर का मंदिर है, जो आपके आस्था का केंद्र है, वहाँ जा कर के आपको उनके पैर छूने हैं दूर से, और इसके बाद ही आपको अपनी क्रिया शुरू करनी है। दोस्तों, ये जो सुबह सुबह की जो आपकी शुरुआत है, वो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी देती है। आप जब पूजा करते हैं दोस्तों, तो पूजा में आप कपूर का यूज़ ज़रूर करें। आरती करने के बाद ऐसे भी कपूर जलाया जाता है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी है, जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर देती है। काल सर्प योग, पितृदोष, देव दोष जो उत्पन्न होते हैं, जिनका कारण राहु और केतु के प्रभाव से ये डेवलप हुए होते हैं आपकी लाइफ में, तो ये जो दोष हैं, ये भी आपके घर में अगर आप कपूर को घी में डुबो करके जलाते हैं, तो ये दोष भी आपके दूर होते हैं। ये अगर हो सके तो आप घर में 3 बार करें। अगर 3 बार नहीं कर सकते हैं, तो सुबह शाम आप अपने कपूर की आरती जरूर करें। घर के अंदर कपूर प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं दोस्तों, तो किसी चांदी के छोटे से पात्र में आप कपूर रखिए, और उसमें आप देसी घी का ऊपर से उसमें देसी घी डालिए, और उसके बाद में उसे जलाकर उसकी आहुति आप अपने देवी देवता के सामने रोज शाम को दिया बत्ती के समय आप इस टाइप से उनकी आरती करें। यह आपकी आर्थिक मुसीबत को दूर करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपकी कुल देवी दुर्गा जी हैं, महाकाली हैं, तो आप 2 लौंग, मतलब 1 जोड़ा लौंग, जो साबुत लौंग हो, जिसके आगे फूल लगा हुआ होता है, ऐसी लौंग आप माता जी के सामने रखें, और उसकी वो कपूर के साथ, और उसमें आप धूप दीप दें आप उनका, जिससे माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, जब पूजा पाठ करने के बाद आप घर में जो आपका झाड़ू पोछा लगता है दोस्तों, तो पोछे के पानी में आप नमक डालिए। नमक आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल दूर कर देता है। लेकिन याद रखिए, गुरुवार और रविवार, संडे और थर्सडे, इन 2 दिनों में आपको ये नमक पानी में ऐड नहीं करना है, अन्यथा इसकी विपरीत असर हो जाती है। आप अपने घर में दोस्तों मनी वेल लगाइए, जिसे लक्ष्मी वेल भी कहते हैं। ये भी घर की पॉजिटिविटी बहुत बढ़ाती है दोस्तों। अपने किचन को हमेशा एकदम स्वच्छ रखिए। किचन में आप अन्नपूर्णा माता का दिया अवश्य लगाइए, जिससे आपके घर का धन धान्य कभी ख़त्म नहीं होता है, और आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। वैसे किचन में आप कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपके घर की सुख समृद्धि सच में 7वें आसमान पर छुएगी, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज ये भी एक
लंबाई अगर सब कुछ इसमें डिस्कस करने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो एक साधारण सा कि एक अन्नपूर्णा माता का दीपक आपको अपने किचन में लगाना है, जहां आप अपना मटका रखते हैं वहां पर आपको ये काम करना है। और दोस्तों, जो आपके घर में अतिथि आते हैं, बहुत ही प्रेम से आप उनका आदर सत्कार करें। बहुत ध्यान रखना दोस्तों, आपके घर में आया हुआ कोई भी इंसान या आपके घर की बहन बेटी अगर आपके घर से दुखी होकर जाती है, आपके घर की सुख समृद्धि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। वो इतनी नेगेटिव ऊर्जा घर में बढ़ जाती है इसके बाद कि आप उसे उसका पार नहीं पा सकते। इसलिए अतिथियों का बहुत ध्यान दें दोस्तों, और अपने घर की बहन बेटी को हमेशा खुश रखें। शाम के समय कभी भी अपने घर की वही बहन बेटी को घर से विदा ना करें दोस्तों, घर की लक्ष्मी चली जाती है। शाम के समय दोस्तों पूरे घर की लाइटें आप चालू रखें, घर के किसी भी कोने में आप अंधेरा ना रहने दें। घर की जो लक्ष्मी है, जो घर की मेन व्यक्ति है, जो घर की लेडीज है, जो घर का मेन पर्सन है, जो दिया बत्ती लगाने के बाद कितनी बार लेडीज है दूसरों घर में शाम के टाइम टाइम पास करने के लिए चली जाती है बैठने के लिए, मैं माताओं बहनों से खास अनुरोध करूंगी कि शाम के टाइम कभी भी अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में बैठने के लिए ना जाए। क्या मिलता है नहीं, और इससे आपके अंदर और नेगेटिविटी आती है। और घर की लक्ष्मी अगर शाम के समय घर से बाहर निकलकर दूसरों के घर में बैठने के लिए चली जाती है दोस्तों, तो अपने घर के लिए बहुत ही अपशकुन होता है। आप किसी की मदद करें दोस्तों, मैं उसकी मना नहीं करती, लेकिन अगर शाम के समय जैसे कोई आपके घर में दूध मांगने आता है, दही मांगने आता है, सफ़ेद वस्तु खास तौर से, तो आप उसे सविनय मना कर दीजिए और कोशिश करें कि आप उसे शाम होने से पहले पहले चीज़ अगर दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन शाम के समय अपने घर से इन चीज़ों को ना दें किसी को। ये भी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है, आपके घर की जो पॉजिटिविटी है वो इन चीज़ों के साथ चली जाती है। आपके घर में दोस्तों अगर कहीं पानी बह रहा है, कभी चकली खराब हो जाती है, बराबर टाइटली बंद नहीं होती है, और उसमें से धीरे धीरे जो पानी बहता रहता है दोस्तों, ये आपके घर की सुख समृद्धि को लेकर के जाता है। इसके लिए घर की किसी भी चकली को आप ऐसे बहता हुआ पानी उसमें ना छोड़ें। अगर कोई चकली खराब हो गई है तो उसे जल्दी से जल्दी सुधरवा लें। और हो सके दोस्तों तो रात के टाइम आपके धुले हुए कपड़े कभी बाहर तार पर ना रहने दें, शाम को आप वो कपड़े को उठाकर अंदर रख लें। रात को अगर पूरी रात बाहर कपड़े पड़े रहते हैं तो रात को कितने ऐसे जो योनि के जीव हैं जिनका रात का ही विचरण होता है, उनकी छाया से दूषित होते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला सकता है। अपने कपड़ों को समय से उठाकर घर में रखें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में कहीं सफ़ेद आंकड़ा हो, श्वेतार्क, तो आप देखिएगा उसके जो फल होते हैं उसमें रूह होती है, आप उस रूह को अपने घर पर लाइए, उसे रख दीजिए किसी डब्बे में, और शाम के समय आपके घर की जो देहरी है उसमें राइट हैंड पर एक दिया देसी घी का, हो सके तो गाय का घी हो तो सबसे बेस्ट है, आप देखिएगा दोस्तों कितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। शाम के समय एक दिया ज़रूर जलाइए राइट हैंड की तरफ। आंकड़े का अगर आपको आंकड़े की रूह मिलती है तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके घर में कछुआ है दोस्तों, उसका सम्मान करें, उसके पैर छुएं, तेरस के दिन, शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन उसकी पूजा करें, बिकॉज उसकी जो पीठ होती है उस पर श्रीयंत्र होता है, उससे श्रीयंत्र की पूजा हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान उपाय हैं जिससे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। आप इसे करके देखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। खुश रहें। जय श्री कृष्ण।